निकेत चलो बेटा स्कूल बस आ जाएगी। ओहो हजार दफा कहा है खाने के टेबल पर टेबल टेनिस मत खेला करो। चल आइस पाई खेलते हैं। मैं छुपता हूँ तू मुझे ढूंढना। अनिकेत कहाँ है तू? कहाँ छुपा है तू बता ना। अनिकेत 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 नफरत है मुझे अपने जिंदा होने से। कोई फायदा नहीं है इसका। मेरा जुड़वा भाई अनिकेत सोचा था दोनों भाई जिंदगी भर साथ रहेंगे। मेरा बड़ा भाई पूरे 12 सेकंड बड़ा। बहुत जल्दी थी ना तुझे दुनिया में आने की और इतनी ही जाने की। आज भी उस दिन के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है। नहीं बचा पाए हम तुझे उनके डापे से, नहीं जमा कर पाए हम वो पैसे। पर आनी मैं क्या करता, बहुत गरीब थे ना हम। और वो हमारा बाप जिसकी वजह से यह सब हुआ और उसे फर्क भी नहीं पड़ा। ऐसा बाप तो मेरे दुश्मन को भी नसीब ना हो। लेकिन आनी आनी आप हमारे पास बहुत पैसे देखना क्या कुछ नहीं हमारे पास। वो जितनी मांगेंगे ना मैं दूंगा ना। सकर तू ना वापस आ जा प्लीज भाई। आई मिस यू यार। मेरा मन नहीं लगता इस दुनिया में तेरे बगैर। प्लीज प्लीज मेरे पास वापस आ जा। तुम रो मत प्लीज। अरे इतने कौन रो रहा है? क्या हुआ बेटा अचानक गड्डी क्यों रोक दी? मुझे ऐसा लगा कोई रो रहा है। मतलब ये कि कोई खास है जिसका दुख तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे बेटा जी इस उम्र में अगर कोई दूजे के दुख से अपनी आंखों में आंसू आने लगे तो समझना चाहिए वो दूजा नहीं है अपना है। आंटी जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा तो कैसी बात है? चल मैं ही बताती हूँ। ऐसा होता है कभी जाने अनजाने में कोई खास बिना कुछ कहे हमारे दिल में अपनापन बना लेता है और फिर एक दिल दूसरे दिल की हर मुश्किल हर दुख हर खुशी बांटने लग जाता है महसूस करने लग जाता है बेटा। और फिर तो पुत्र पता ही नहीं चलता कब एक दिल दूसरे दिल को गले लगा ले।